देखिए, महागठबंधन का जो कंसेप्ट है, कोई भी निर्णय महागठबंधन की बैठक में हुआ करता है। अभी जो बातें हुई है, हम समझते हैं या हम लोग ने जो दावा किया था कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर नाथ नगर से लड़ना चाहता है, हमारे वीआईपी पार्टी के लोग बड़ी यहाँ बख्तियारपुर से लड़ना चाहते, सिमरी बख्तियारपुर से लड़ना चाहते हैं, ये अपनी मंशा हम लोग बताए थे। और था कि 24 के बाद जब तेजस्वी जी आ जाएंगे झारखंड से तो इसी बैठक होती का तय हो जाएगा। लेकिन जब 24 को हम भागलपुर में थे और वहाँ रात में सुना कि नाथनगर में भी कैंडिडेट उन्होंने दे दिया, तो इस पर हमारी प्रतिक्रिया हुई कि जब महागठबंधन के लोग बैठ करके तय करते तो अच्छा होता, और अपने एक अवैध ये पक्षीय उन्होंने जो डिक्लेयर कर दिया, हम समझते हैं कि ये महागठबंधन के सेहत के लिए ठीक नहीं है। बड़ी पार्टी है राजद, उनको कम से कम छोटे पार्टियों को साथ लेके चलना चाहिए था और किसी को नहीं लिया। हम लोगों से नहीं पूछा, वीआईपी से नहीं पूछा, रालोसपा से नहीं पूछा, कांग्रेस से नहीं पूछा। अब यही कारण है कि हमने भी घोषणा कर दी है कि नाथनगर लड़ेंगे, वीआई पार्टी ने भी घोषणा कर दिया है कि वो सिमरी बख्तियारपुर लड़ेंगे, कांग्रेस ने भी घोषणा कर दिया है कि हम पांचों जगह से लड़ेंगे। हम अपने तरफ से अभी भी कह रहे हैं कि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, समस्तीपुर और किशनगंज में हम उनको साथ देंगे। वीआईपी के लोग जो सिमरी बख्तियारपुर लड़ते हैं उनको हम साथ देंगे, और हम इन लोगों से भी आशा करते हैं कि हमको नाथनगर में साथ दें। और राजद को भी कहते हैं कि राजद बड़ी पार्टी है, कांग्रेस सेकंड बड़ी पार्टी है, अगर गठबंधन हमारा टूटता है तो इसके लिए हम मानते हैं कि राजद जिम्मेदार है। वो बैठक बुलाता, बैठक में निर्णय लेकर के हम लोगों से बात करता, हो सकता है कि हम अपना विड्रॉ कर लेते, लेकिन अब तो ये परिस्थिति है कि उन्होंने एक तरह से चैलेंज कर दिया है कि हम लोग कुछ नहीं है, जो हैं सो राजद ही है। तो ठीक है, चुनाव में हम लोग भी उतरेंगे। हमने वहाँ अजय राय को घोषणा कर दिया है कि हमारी पार्टी के ऊपर रहेंगे और 30 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। इस बीच में अभी भी मैं कहता हूँ कि बड़ा पार्टी राजद है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस है, ये दोनों आपस में बात करके हम लोगों से भी बात करें क्या परिस्थितियां हैं, क्यों उन्होंने दिया और क्यों हमने क्लेम किया था, और जीत का उम्मीद हम लोग रख करके किया है, और हम समझते हैं कि एक होकर के लड़ेंगे तो हम लोग पांचों विधानसभा का उपचुनाव जीत सकते हैं और समस्तीपुर का लोकसभा चुनाव भी जीत सकते हैं। अगर अलग अलग हम लोग हो गए, नहीं जीत हुई, तो इसका मतलब है कि एनडीए को लाभ पहुंचाने के लिए शायद ऐसा प्रयास किया जा रहा है। उनको घोषणा किया जा सकता है, लेकिन जब महागठबंधन है तो सिर्फ जीतन मांझी क्यों कहेगा, राजद क्यों कहेगा, क्यों नहीं सब मिल करके एक शब्द हम निकालें। और यही हमारी अपेक्षा है, और यही हम कहना चाहते हैं कि महागठबंधन में ही बैठ करके तय हो जाए कि नेता हमारा कौन होगा। अगर महागठबंधन तय करती है कि हाँ उनको हम नेता माने हैं, आगे का चेहरा हो, तो व्यक्तिगत रूप में मैं जीतन मांझी कहता हूँ कि हम उनके साथ हैं और उनको नेता बनने के लिए हम जहाँ तक हो सकेगा। क्या करें, वो केम फंसे हैं न फंसे हैं मैं नहीं मानता हूँ, वो जानते होंगे। और कोई बात भी है तो मीडिया में हम इस बात की चर्चा नहीं करेंगे। तकनीकी बात सिर्फ यही है कि उनकी घोषणा महागठबंधन के बैठक में हो, न कि एक पार्टी के बैठक।